In yet another incident of alleged custodial death from Uttar Pradesh, a 30-year-old man died in Lucknow after he was reportedly beaten by the cops at the Chinhat police station. The deceased has been identified as Mohit Kumar, who was arrested on Saturday over a dispute with his neighbor over a minor issue. A video has gone viral where Mohit can be seen lying inside the lockup with his family, claiming that police are deliberately leaking only a portion of the footage to save themselves. However, contrary to family's claims, the police said Mohit was rushed to a community health center after he became unwell at the police station. The post-mortem report made available has not established a clear cause of death. Meanwhile, a protest also erupted over Mohit's death, with his family meeting Chief Minister Yogi Adityanath demanding a probe into this matter. Based on a complaint lodged by Mohit's family, the station house officer of the Chinhat police station has been suspended and he has been booked for murder along with two others. Additionally, SHO of Gomti Nagar Vistar has been tasked with conducting the probe in this matter. Mohit Kumar Putra, Swargiya Shivagiri, जिनकी उम्र 30 साल है और जो कि गांव जैनाबाद थाना क्षेत्र चिन्हट के निवासी हैं, इनको थाना पर BNS की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार के बाद दाखिल किया गया था। इनकी दाखिले के उस पश्चात इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने लगी, जिसकी वजह से इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट ले जाया गया था, जहाँ इन्हें रेफर किया गया था। रेफरल के बाद इनको डॉक्टर अमरोली हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहाँ इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना तत्काल इनके परिजनों को दी गई है, परिजन हॉस्पिटल में मौजूद है, सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये बहुत ही दुखद है, घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, हर स्थिति में न्याय मिलेगा। कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पोलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में जिस मोहित पांडे की मौत हुई थी, उनकी फैमिली ने आज सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की है। पूरा परिवार है, लोकल विधायक बीके टिकम के साथ फैमिली जो है वो पहुंची थी सीएम आवास पे, उन्होंने मुलाकात की है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की? सीएम से क्या मांगा था आप लोगों ने, क्या चाहते थे आप लोग? मांगा है यही 10 लाख रुपया देंगे और आवास देंगे और बच्चन फीस देंगे और धंधा करवाएंगे और उसको पकड़ा जाए। तो आप खुश है, सेटिस्फाई है जो सीएम ने कहा उससे? संतुष्ट है? आप लोग यही मांग थी कि फैमिली को इंसाफ चाहिए, वो जो चाहिए वो पकड़ा जाए जिन्होंने किया है, पकड़ा जाए। उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आप लोगों ने क्या क्या मांगे, क्या थी आप लोग सीएम से, क्या चाहती, क्या थी? कुछ नहीं मांगे थे, वो खुद पता है कि हमको सब पता, आप बताने की कोशिश मत करिए, हमको पहले से पता है, हम सब जान रहे हैं। वो अपने मन से बोले कि हम 10 लाख रुपए देंगे, मकान देंगे, बच्चों की फीस देंगे और जो आप करना चाहेंगे वो करवाएंगे।